उत्तराखंड के 20 कॉलेजों को मॉडल बनाएगी धामी सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। और देखिए नियुक्ति पत्र आवंटन कार्यक्रम में सीएम धामी की घोषणा, विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में आधारभूत ढांचा मजबूत करने का निर्णय लिया है पुष्कर सिंह धामी ने। और मुख्यमंत्री की ये बड़ी घोषणा, उत्तराखंड के 20 कॉलेज बनेंगे मॉडल और विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के आधारभूत ढांचा मजबूत करने की कवायद यहां पर शुरू हो चुकी है। और उत्तराखंड के 20 कॉलेजों को मॉडल बनाएगी धामी सरकार, ये बड़ी घोषणा और बड़ी सौगात दी है पुष्कर सिंह धामी सरकार ने छात्र छात्राओं को, युवाओं को। और नियुक्ति पत्र आवंटन कार्यक्रम में सीएम धामी ने ये घोषणा की। और देखिए स्टूडेंट्स को सौगात और कॉलेजों का ढांचा होगा मजबूत। उत्तराखंड के 20 कॉलेजों को मॉडल बनाने की, उनका मॉडल तैयार करने की कवायद शुरू हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी घोषणा। और देखिए प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य में लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड बनने के पश्चात राज्य में मार्च 2024 तक कुल 3312 किलोमीटर मार्गों का निर्माण किया जा चुका है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 171 किलोमीटर मार्गों के नव निर्माण का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि मार्च 2025 तक लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की लंबाई 3,03,683 किलोमीटर हो जाएगी। और महाराज ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में आपदा की दृष्टिगत वर्तमान में 187 सड़कें बंद है, जिसमें से 18 सड़कों को खोल दिया गया है और 151 जेसीबी मशीनें क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने के लिए लगातार कार्य कर रही है। और देखिए क्षतिग्रस्त मार्गों को चुस्त दुरुस्त कर सड़कों के खुलने के पश्चात चारधाम यात्रा फिर से प्रारंभ कर दी जाएगी। दिन के बाद हमारी चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी इसके साथ साथ उत्तराखंड बनने के उपरांत मार्च 2024 तक 37,512 किलोमीटर मार्गों का निर्माण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मार्गों का निर्माण का लक्ष्य 171 किलोमीटर है। अतः मार्च 2025 तक लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों की लंबाई 33,683 किलोमीटर। और देखिए उत्तराखंड के मॉनसून सत्र गैरसैंण समाप्त हो चुका है। वहीं सत्र के दौरान और सत्र के बाद अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी एक बात को लगातार दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर 2016-17 में जो घटनाक्रम उनकी सरकार के साथ हुआ और उसे दौरान उसके दल के विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया और ये सब नहीं होता तो हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना चुके होते। और देखिए हरीश रावत ने ये भी कहा कि हमें उस समय सचिवालय बनाने के लिए साथ साथ गैरसैंण को भी राजधानी बनाने की भी पूरा प्लानिंग करनी चाहिए थी, और लेकिन उस समय जो कुछ हुआ उस दौरान 4 महीने तो राज्यपाल ने हमारे पास किए हुए बजट को ही रोक कर रख दिया। और हरीश रावत का बयान सामने आया तो उसे बयान पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी पलटवार किया। देखिए सुबोध उनियाल जो कि 2016-17 में कांग्रेस से ही विधायक थे, उनका ये भी कहना है कि हरीश रावत जो भी कह रहे हैं वह सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम जिस तरीके से गैरसैंण की एजेंडे को लेकर के चल रहे थे, विधानसभा भवन बना दिया था, 4 डिवीज़न वहाँ खड़े कर दी थी, यूहुड्डा नाम की संस्था खड़ी करके टाउनशिप की प्लानिंग कर दी थी, हेलीपैड बना दिया था, सड़कें बना दी थी, गैरसैंण चौकुटिया को मिला करके विकास बोर्ड बना दिया था और ज़िला बनाने की प्लानिंग कर ली थी, और हमने उसके साथ जो है सचिवालय बनाने के लिए 57 करोड़ रुपये का प्रोविज़न करके एक वेबकोस नाम की संस्था को टेंडर दे दिया था और 500 आवासीय भवन बनाने का प्रोजेक्ट हमने मंजूर कर दिया था। तो वो सब देखते हुए मैं कह रहा हूँ, यदि उस समय हमारी सरकार को अस्थिर नहीं किया गया होता, उस अस्थिरता का प्रभाव ये पड़ा कि एक वित्तीय वर्ष के 6 महीने, जिसमें 4 महीने तो हमारा बजट ही पारित बजट, विधानसभा द्वारा पारित बजट जो है वो गवर्नर ने
दबा दिया केंद्र सरकार। और देखिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हरीश रावत पर तंज कसते हुए ये कहा उन्होंने कि अपने ही सीएम कार्यालय या पहले भी हरदा कभी गैरसैंण को स्थायी राजधानी के पक्षधर नहीं रहे और अब दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गैरसैंण को राजधानी बनाने ने अपनी ही पार्टी के सदस्यों को अवरोधक बनाने का दावा भी भ्रामक और शिगुफा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम हरदा की जनता का विश्वास खो चुका है और सच्चाई यह है कि हरदा कभी भी राज्य निर्माण के पक्ष में ही नहीं थे, स्वयं को गैरसैंण का शुभ चिंतक बनने का ढोंग रचते हैं। और देखिए हरदा की जनता का विश्वास खो चुके हैं, ये बयान दिया है हरीश रावत पर महेंद्र भट्ट का तंज है। ये महेंद्र भट्ट ने बयान दिया हरीश रावत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गैरसैंण का शुभ चिंतक बनने का ढोंग रचते हैं और हरदा की जनता का विश्वास वो खो चुके हैं। भाजपा ने बनाया गैरसैंण का राजधानी, भाजपा ने बनाई गैरसैंण के विकास के लिए भाजपा कटिबद्ध है और आगे भी जो कुछ भी करना होगा वो भाजपा ही करेगी। वहाँ का ढांचागत व्यवस्था को सुधार करना हो, भविष्य के अंदर प्रशासनिक इकाई की व्यवस्था करनी हो, भाजपा का सरकारी सत्ता है। हरीश रावत जी जो बात कह रहे हैं वो ये भूल क्यों जाते हैं, उसके बाद 2 साल तक तो मुख्यमंत्री रहे और इतना खौफ हो गया कि जो पार्टी छोड़ के चले गए उसके बाद भी गैरसैंण को उन्होंने राजधानी नहीं बनाई। तो ये कौन सा क्या विषय समाज के रूप में दे रहे हैं? समाज सब चीज को जानता है, समाज को पूरा पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा उत्तर राज्य के हर क्षेत्र के विकास के लिए हर दल केवल राजनीति करता है, हम विकास को धरातल उतार। और देखिए खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी ने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि विधायक ने कॉन्फ्रेंस में सरकार पर आरोप लगाए। विधायक ने कहा कि विधानसभा सत्र में विपक्ष को मात्र 30 मिनट का समय दिया गया जिसमें से 2 मिनट का समय उनको दिया गया। प्रदेश सरकार ने विपक्षी दल को कम समय दिया जिससे वे अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पाए। और वहीं उन्होंने कहा कि NHI घोटाले के मुख्य आरोपी DP सिंह को सरकार ने दोष मुक्त कर दिया और उन्हें UPCL में MD पद पर 2 साल के लिए सेवा विस्तार कर दिया। और वहीं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने भी ये कहा कि सरकार चार धाम यात्रा में विफल रही है और विधानसभा सत्र गैरसैंण में किया लेकिन पहाड़ की समस्याएं नहीं सुनी गई। मानसून सत्र से बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि पूरे उत्तराखंड में जो है आपदा चारों ओर आई हुई थी और खटीमा पूरी तरह से 8 घंटे के बारिश में इतना। और देखिए नर्स हत्याकांड में CBI जांच की मांग को लेकर SSP से मुलाकात करने जा रही है कांग्रेस महिला मोर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष के साथ SSP कार्यालय के बाहर धक्का मुक्की हुई और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महन मेहरा ने घटना की निंदा करते हुए ऊधम सिंह नगर पुलिस पर निशाना साधा, पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलने का भी ऐलान किया है। दूसरी ओर बाजपुर के रहने वाले पति पत्नी ने जूतों के माला पहनाकर पहुंचे DM कार्यालय जहां जिला अधिकारी से लगाए न्याय की गुहार लगाई और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने वीडियो जारी किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति गैरोला को पुलिस डंडे से रोकते हुए नजर आ रही है, कुछ पुलिसकर्मी उन्हें पीठ में डंडा चुभोते हुए नजर आ रहे हैं। रुद्रपुर में नर्स के संग हुए बलात्कार और हत्या के मामले में पुलिस और प्रशासन के रवैये को देखते हुए महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने महिला कांग्रेस के संग एक प्रदर्शन किया जिसमें बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर मारपीट की गई। पुलिस के जो पुरुष जवान हैं वो उनको लठ लगा रहे हैं, मार रहे हैं, हाथों से उनको मलस कर रहे हैं। इससे घिनौना चेहरा पुलिस का और कोई दूसरा। आज रुद्रपुर में नर्स के संग और देखिए खबर देहरादून से है जहां पर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा ने विधानसभा सत्र में बयान देकर सियासी गलियारों में गर्मराहट पैदा कर दी है। उमेश कुमार शर्मा ने बताया कि गुप्ता बंधुओं ने सरकार को गिराने के लिए 500 करोड़ खर्च करना चाहती है, वहीं
उनके इस बयान के बाद उत्तराखंड में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी को लेकर भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि उन्हें इस बात का सबूत देना चाहिए, साथ ही कहा कि भाजपा के उमेश कुमार ने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी जांच होनी चाहिए। सीएम धामी का भी कहना है कि स्टेटमेंट में कितनी सत्यता है इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि सरकार को गिराने की साजिश चल रही है और इंटेलिजेंस को पता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा दिया गया बयान एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये जो मामला है अगर ऐसा कोई नहीं उनके पास साक्ष्य है सबूत दे, किसी की हिम्मत नहीं है। हम इस समय 46 मेंबर्स हैं सदन में भारतीय जनता पार्टी के, और जिनका नेतृत्व तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, तो इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है तो क्यों दिया है, कैसे दिया है, क्या उनको कोई भनक लगी है, क्या उनके पास कोई इस प्रकार के सबूत है, तो आप लोगों को पता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा विशेषकर कि आप लोग उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि कौन ऐसा तत्व है कि जो सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है, या किसी के कहने या पैसे के बल, किसी की हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ काम कर रही है, एकजुटता के साथ रह रही है, और हमारे नेतृत्व बहुत ही अटपटा, अजीबोगरीब और संवेदनहीन गैर जिम्मेदाराना बयान है उमेश कुमार का। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार धामी जी की गिर रही है, दर्द उमेश कुमार को उठ रहा है, ये भी बहुत अपने आप में आश्चर्यजनक है। वहीं सरकार के पास तमाम खुफिया एजेंसी होने के बावजूद एक निर्दलीय विधायक को ये पहले पता चल जा रहा है कि यहाँ सरकार गिरने वाली है, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, गले नहीं उतर रहा है। और तो और उमेश कुमार ने सीधे सीधे एक इशारा भाजपा के विधायकों पर किया है। उत्तराखंड में मॉनसून के चलते खराब हुई सड़कों को लेकर लोक निर्माण विभाग अब एक्शन मोड में आ गया है, जिसके चलते लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने समीक्षा बैठक की। और इस बीच डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि अभी पीडब्ल्यूडी के कुल 83 सड़कें बंद हैं और उनमें से अधिकतर सड़कें आज खुल जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी सड़कें हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संचालित हो रही है, यानी कुल मिलाकर 86 सड़कें अभी बंद है, जिसके चलते नंदप्रयाग में हाईवे पर मलबा जमा हो रहा है और जिसे हटाने का काम लगातार जारी है, और वहां पर वैकल्पिक मार्ग पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है। आज सुबह की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से पीडब्ल्यूडी की कुल 83 सड़कें हैं, 83 सड़कें हैं जो बंद हैं, और उसमें से मैक्सिमम हम लोग आज खोल लेंगे शाम तक। इसमें कुछ ऐसी सड़कें हैं जो ग्रामीण सड़कें हैं, उसमें 86 हैं जो PMGSY से रिलेटेड सड़कें हैं, तो टोटल 83 और 86 सड़कें हैं जो आज सुबह के हिसाब से बंद हैं। इसमें एक NH है जो बद्रीनाथ धाम को जाता है, उसमें नंदप्रयाग के पास में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मलबा और पत्थर आ रहे हैं, जिस पे लगातार काम चल रहा है, मशीनें भी काम कर रही हैं, लेकिन हम 4 दिन में उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए हैं। उसका ऑल्टरनेटिव रूट पे हम लोग ट्रैफिक हमने डाइवर्ट कर रखा है। अभी सुबह मैंने एक समीक्षा बैठक की थी, उसमें भी डिटेल में मैंने बात की है। NHIDCL के पास वो स्ट्रेच है, उन्होंने कहा है कि आज इन्होंने बेंचिंग एक करी है उसके ऊपर, तो उम्मीद है कि आज शाम तक वो भी उसको चालू कर ले जाएंगे, बट उसमें थोड़ा प्रॉब्लम अभी भी है कि पत्थर वत्थर आ रहे हैं, तो सेफ्टी देखते हुए। और देखिए, देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम लगातार एक्शन मोड में काम कर रहा है, जिसके चलते शहर भर में डोर टू डोर कचरा उठाने का कार्य चलाया जा रहा है, जिसके साथ कूड़ा निस्तारण पर नगर निगम खास ध्यान दे रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि कचरा उठाने की संबंधित कंपनियों को निर्देश किया गया है कि ज्यादा देर तक कभी भी कचरा ना रखें और उसको तुरंत सही तरह से निस्तारित किया जाए। देखिए, ये जो कूड़े का निस्तारण है इसको प्रॉपरली किया जा सके, इसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं। संबंधित कंपनियों को भी आदेशित किया गया है कि कोई भी जो है कचरा जो है ज़्यादा देर तक जो है कहीं पे भी निस्तारित ना रहे, उसको तुरंत जो है सही तरीके से निस्तारित किया जा सके। और जहाँ तक पॉलीथीन वगैरह है उसके खिलाफ भी हम लोग का अभियान चल रहा है, नियमित रूप से जो है चालान भी किए जा रहे हैं और लोगों को भी शिक्षित किया जा रहा है कि वे कूड़े कचरे को गाड़ी में ही डालें अन्यथा। और देखिए, उत्तरकाशी क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के बीच जैनी रेस्क्यू टीम ने तेलखा पुल और आसपास के क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। टीम ने आपातकालीन स्थितियों पर तुरंत कार्रवाई की है और खराब मौसम के कारण फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया।
नितारा से आगे जो ये मलबा आया हुआ था उसमें मेरी गाड़ी, मैं वाइफ के साथ आ रहा था दिल्ली से और मेरे को आगे आऊँगी जाना था, तो गाड़ी मेरी फंस गई थी, वाइफ भी उसी में थी। तो HDRF और लोकल लोगों ने बहुत सपोर्ट करी, आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने सपोर्ट करी और मैं और मेरी वाइफ गाड़ी से बाहर आ गए हैं और अब गाड़ी यहीं है और सुबह गाड़ी सुबह सुबह। और 31 जुलाई को रुद्रप्रयाग जनपद में हुई अतिवृष्टि के बाद उत्तराखंड शासन प्रशासन तेज गति से केदारनाथ यात्रा मार्गों को सुचारू करने में जुटा हुआ है और आपदा प्रबंधक सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्गों के अधिकांश रास्तों पर दुरुस्त कर लिया गया है और केदारनाथ पैदल यात्रा गतिमान है। 150 से 200 श्रद्धालु रोजाना केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 300 कर्मचारियों की केदारनाथ मार्ग में तैनाती की गई है जो मार्गों को खोलने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि 31 जुलाई के आपदा के उपरांत काफ़ी क्षति हुई थी जिसमें से काफ़ी रास्तों को ठीक कर लिया गया है और सबको पैदल चलने लायक बना लिया गया है, तो आवाजाही लोगों की जारी है। अगर बरसात नहीं हो रही है तो आवागमन किया जा सकता है, उसमें बरसात के दौरान पत्थर गिरते हैं तो उसमें यात्रा करना खतरनाक हो सकता है, तो उसको छोड़ के बाकी यात्रा के लिए माध्यम क्या है इसमें। और देखिए, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के मोहन मरछूला मोटर मार्ग पर पनियाला नाले उफान पर आने से कई वाहन नाले चपेट में आ चुके हैं। नाले के उफान पर आने से मोहन मरछूला मोटर मार्ग पर कुमाऊं व गढ़वाल को जाने वाले यात्री व पर्यटकों को वाहनों में भूखे प्यासे बैठाकर नाले के उफान का काम होने का इंतजार करना पड़ता है। और पूर्व जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह रावत ने कहा कि गढ़वाल कुमाऊं मंडल को जोड़ने वाला मार्ग जो है वो मरछूला मोटर मार्ग पर सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं जिस कारण छोटी गाड़ियों आने जाने दिक्कत का सामना करना पड़ता है और कई गाड़ियों के चैम्बर फट चुके हैं। पनियाला नाला उफान पर आने के कारण कई हादसे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश धामी सरकार और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को पनियाला नाले को संज्ञान में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पनियाला नाले पर अति शीघ्र पुल बनाया जाए। वाला हमारा ये मुख्य मार्ग मोहन से मथुरा, ये रोड में पूरे गड्ढे और यहाँ पे छोटी गाड़ियों का आना जाना आपस में, दो छोटी गाड़ियाँ आपस में ट्रैक नहीं दे पाती है, कई गाड़ियों के यहाँ पे चंदर कट चुके हैं, कई हादसे हो चुके हैं और यहाँ पे पनियाली नाला है, यहाँ पे कई हादसे हो गए, कई लोगों की यहाँ पे जान चली गई और धामी सरकार खाली हवाबाजी में पूरा गड्ढा मुक्त बना रहे हैं और यहाँ पे कोई लोक निर्माण नहीं हुआ। और देखिए, उत्तराखंड के पौड़ी जिले में चुके प्राकृतिक जल स्त्रोतों और सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए अब 16 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किया जाएगा और सूखकर विलुप्त हो रही सहायक नदी और प्राकृतिक जल स्त्रोतों को बचाया जा सके। जिले में प्रशासन ने 20 सहायक नदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए और जिले के 15 ब्लॉक में प्रत्येक ब्लॉक से 10 जल स्त्रोतों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य योजना बनाई है। DM पौड़ी ने वर्षा जल संरक्षण के लिए भी विभागीय स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करते हुए सघन वृक्षारोपण खंती और चाल खाल चेक डैम व अन्य जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। स्प्रिंग के जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में 10 क्रिटिकल सोर्सेज आइडेंटिफाई करने थे और साथ ही 20 सहायक नदियों के पुनर्जीवन के लिए कार्य किया जाना था और हमारा एक्शन प्लान जून में रेडी हो गया था। फर्दर अभी उसमें फंड्स हमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं सारा की तरफ से, लगभग 16 करोड़ रुपए की धनराशि दी जा रही है जिसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक के जो कार्य हैं शासन या सारा स्तर से स्वीकृत किए जाएंगे और 1 करोड़ से कम के प्लान के लिए 4 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। उसी क्रम में विभिन्न विभागों की एक बैठक करके उन्हें निर्देशित किया गया और तदनुसार हमारे सोर्सेज का सिलेक्शन। और देखिए, उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है, खासकर जब मॉनसून सक्रिय हो तो मॉनसून के चलते उत्तराखंड में जगह जगह पहाड़ों से मलबा आना, बादल फटना और सड़कों का बंद हो जाना ये लगातार जारी रहता है। इस बार मॉनसून में कई नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बंद है। जानकारी देते हुए PWD सचिव पंकज पांडे ने बताया कि पिछले साल 200 से अधिक लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए थे जिनमें से 100 से अधिक इस साल बरसात से पहले काम शुरू कर दिया गया था और इस काम में खर्च अधिक आता है
और जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीडब्ल्यूडी के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग से भी पैसा आता है। साथ ही सचिव पीडब्ल्यूडी ने कहा, हमारा यही प्रयास है कि जल्द से जल्द इन सभी जगहों को ठीक कर सुचारू रूप से यात्रा को चलाया जा सके। साथ ही हमने विभागीय अधिकारियों को निर्देश किया है कि जल्द से जल्द जो लैंडस्लाइड जोन है उन्हें चिन्हित करें और अगले साल ऐसी स्थिति ना बने उसके लिए योजना तैयार करें। बजट की आवश्यकता पड़ने पर केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह किया जाएगा। 200 स्ट्रेस थे जो पिछले साल तक आइडेंटिफाई किए गए थे, जो क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन इसको हम लोग कहते हैं, जिसमें कि काम कराए जाने की जरूरत होती है, उस पर 100 पे काम इस साल बारिश से पहले शुरू कर लिया गया था। उस पर क्योंकि जो लैंडस्लोप ट्रीटमेंट होता है या लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी टेक्निकल काम होता है, उस पर बहुत स्पेशलाइज एजेंसीज काम करती हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्टर भी थोड़ा अलग तरीके के लगते हैं और कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इसकी। तो इसमें काफ़ी सारा पैसा भारत सरकार ने हमें दिया, जितने भी NH है उसमें भारत सरकार ने पैसा दिया है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने डिजास्टर से मिला पैसा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने PWD के बजट से भी पैसा दिया है। तो प्रयास हम लोग का ये है कि जल्दी से जल्दी जो भी क्रॉनिक जोन है हमारे NH पे, SH पे, जो मेजर रोड से उन पे, उनको ट्रीट कर लें और उस पे एक सफल और जो सुखद यात्रा है उसके लिए हम लोग चाहें। गढ़वाल के श्रीनगर में नेशनल हाईवे 58 की नाली लंबे समय से चौक होने के बावजूद भी इसकी सफाई समय पर ना किए जाने का खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। बारिश होने से NH की चौक नालियों से पानी और मलबा हाईवे से बहकर कई दुकानों में घुस गया, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। बीती रात बारिश होने के कारण 5 दुकानों में मलबा भर गया। सुबह 3 बजे करीबन जो है मैंने सोचा, मैं सुबह दुकान में आया 8 बजे करीबन, तो यहाँ पे जो चीज़ें सफाई कर रहे थे, ठीक, मैंने क्या हुआ कि जो है रात को बारिश आई। अब बारिश आके देखा तो अपने यहाँ जो है पूरा कर इतने जो पानी भरा हुआ था। अब सारा ये NH का जो नाला जो है होने की वजह से सारा ओवर फ्लो होकर नीचे आ गया। अब नीचे आके तो हमने अपनी सेफ्टी के लिए एक फिटिंग दीवार भी लगा रखी है, ठीक है, बारिश होती है तो उससे ऊपर पानी ना आए। अब वो इतना पानी आ गया कि वो दीवार तक गया, वो जो है जो डब्बा होता 20 लीटर का वो उसको भी तरा के ले गया। इस लापरवाही जो है मैं इसका श्रेय सीधे सीधे NH को देता हूँ। मैंने 1-2 बार पहले भी इनसे कहा था कि आप नाली की सफाई कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने जब से ये नालियाँ बनी है इनकी सफाई नहीं हो रही और ये जो पानी यहाँ पे घुसा है इसी कारण घुसा कि आगे नाली चौक है। और देखिए देहरादून से बड़ी खबर है, कार में 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं, महिला पुरुष का शव मिला। देहरादून SSP अजय सिंह का बयान, बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरने से मौत की वजह, दोनों की दम घुटने से मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, महिला पुरुष का शव पुलिस को मिला, दोनों की दम घुटने से मौत। देखिए राजपुर थाना क्षेत्र में जो सहजदरा हेलीपैड है वहाँ एक रास्ता जाता है, वहाँ पर जो है एक कार में स्पॉट किया था, एक महिला और पुरुष थे और जिनकी डेथ हो चुकी थी। चूंकि जब पुलिस वहाँ पहुंची तो कार का इग्निशन ऑन था उसमें, इसके बाद FSL टीम को बुलाया गया, पूरा गाड़ी का निरीक्षण भी किया गया था, कोई इसमें बॉडी पर कहीं कोई जाहिरा चोट और कहीं कोई संदिग्धता प्रकट नहीं हो रही थी। पोस्टमार्टम के लिए जब डेड बॉडी को भेजा गया था तो पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसमें प्रथम दृष्टया जो कार्बन मोनोऑक्साइड उनके जो श्वास नली है उसमें दोनों के जमा पाया गया, जिसकी फोरेंसिक के लिए भेजने के लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं है इसको जाना। और देखिए उत्तराखंड में देहरादून क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट सेवा केंद्र समेत प्रदेश में 6 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में 30 अगस्त को पासपोर्ट से जुड़े काम नहीं होंगे और पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट का डेटाबेस अपडेट होने के कारण क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून की ओर से इस दिन के अपॉइंटमेंट की तारीखों आगे शिफ्ट किए जाएंगी। और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि देश भर के सभी जो केंद्र है उनमें डेटाबेस अपडेट हो रहा है, इसके चलते देहरादून समेत उल्मोड़ा, काठगोदाम, नैनीताल, रुद्रपुर, रुड़की और श्रीनगर केंद्र में 30 अगस्त को सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि देहरादून स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में अपॉइंटमेंट को 5, 7 और 9 सितंबर को स्थानांतरित किया गया जाएगा और पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून के अपॉइंटमेंट को 7 दिन सितंबर यानी कि शनिवार को स्थानांतरित किया जाएगा।